नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नई सुबह ऑडियो लाइब्रेरी इंग्लिश लर्निंग ट्यूटोरियल्स फॉर फाउंडेशन कोर्स। मेरा नाम है सबा गजाली और आज के लेसन में हम बात करेंगे प्रेपोजिशंस पर। प्रेपोजिशन पोजिशन बताने वाले और पीछे लगा हुआ है प्री यानी के पहले, तो पोजिशन बताने के लिए नाउन से पहले आने वाले अल्फाज प्रेपोजिशन कहलाते हैं। बिल्कुल जैसे कि आई एम सिटिंग ऑन द चेयर यानी कि मैं चेयर पे बैठी हूँ, और मेरा चेयर पे बैठा होना मेरी पोजीशन बता रहा है यानी कि चेयर नाउन है और ऑन उससे पहले प्रीपोजिशन है। अगर यहीं पे मैं कहूँ आई एम सिटिंग बिसाइड आमना यानी कि मैं आमना के बराबर में बैठी हूँ, तो मेरी पोजीशन बताई बिसाइड ने और बिसाइड के बाद क्या आया आमना, तो आई एम सिटिंग बिसाइड आमना। इसी तरह से द शॉपिंग मॉल इज सिचुएटेड बिहाइंड द रेस्टोरेंट यानी के शॉपिंग मॉल रेस्टोरेंट के पीछे की तरफ वाके है, तो इसमें शॉपिंग मॉल प्लेस है यानी के नाउन है। फिर हमने देखा कि सिचुएटेड आया और उसके बाद हमने देखा कि आया बिहाइंड, और बिहाइंड के बाद दोबारा एक नाउन आया जो कि है रेस्टोरेंट, तो द शॉपिंग मॉल इज सिचुएटेड बिहाइंड द रेस्टोरेंट। सो नाउन से पहले आने वाले वो अल्फाज जो पोजीशन का तायुन करते हैं प्रेपोजिशंस कहलाते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का लेसन समझ आया होगा। मिलेंगे अगले लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।